हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आज का हमारा चैप्टर होगा मल्टीप्लिकेशन द प्लांट। मल्टीप्लिकेशन द प्लांट, प्लांट्स में आता है आपको, ठीक है। बात करें हम मल्टीप्लिकेशन का मींस क्या होता है, अगर देखते हैं मल्टीप्लिकेशन, इसको आप मैथ से रिलेट मत करेगा, मल्टीप्लिकेशन टू एबिलिटी रिप्रोड्यूस द ऑर्गेनिज्म टू ऑन काइंड। ओके, ये होता है आपका मल्टीप्लिकेशन, मीन्स अपनी ही प्रजाति या अपनी ही स्पीसीज को रिप्रोड्यूस करना कहलाता है आपका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो इसके कुछ पार्ट्स होते हैं। अगर मल्टीप्लिकेशन को अगर हम डिवाइड करें तो दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपके पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, सेक्सुअल और आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम इस चैप्टर को हम दो पार्ट में डिस्क्राइब करेंगे, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो हम नेक्स्ट पॉइंट से मूव करते हैं। अगर हम बात करेंगे कि जो आपके फ्लावर होता है, ठीक है, फ्लावर की बात करेंगे कि पार्ट्स ऑफ फ्लावर, ठीक है, तो फ्लावर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फ्लावर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट्स है उसका जिसमें हम क्या रखते हैं, लीव्स, स्टेम और रूट्स। ओके, एक पार्ट्स है लीव्स, स्टेम और आपका रूट्स का, ठीक है। दूसरा पार्ट हो जाएगा जिसमें रखा जाएगा आपका फ्लावर्स। हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया किसी भी आपके पार्ट्स ऑफ फ्लावर को, या फिर हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे, हेडिंग लिखा होगा कि पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो हम प्लांट्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, एक तो लीव्स, स्टेम और रूट्स में, फ्लावर में। तो बात कर रहे हैं फ्लावर्स की और लीव्स, स्टेम, रूट्स में। तो जब हम बात करेंगे लीव्स, स्टेम, रूट्स यानी इन पार्ट्स की अगर बात करेंगे, तो इन पार्ट्स को बोला जाता है आपका वेजिटेटिव पार्ट्स, ठीक है। अगर कहीं वर्ल्ड ये यूज हो कि वेजिटेटिव पार्ट्स का मींस क्या होगा, कि हम बात कर रहे हैं किसी प्लांट के लीव्स की, स्टेम की और आपका रूट्स की, ठीक है। तो नेक्स्ट फ्लावर को क्या बोला जाएगा फिर? फ्लावर को बोला जाएगा रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ओके, इसका ध्यान रखना है आपको। अगर हम किसी फ्लावर में या किसी हम पार्ट्स ऑफ फ्लावर की बात करें, तो एक प्लांट्स के अंदर बात करें, तो प्लांट्स को मैं दो पार्ट में डिवाइड किया, एक होगा लीव, स्टेम, रूट्स को, इसको बोल दिया गया हम वेजिटेटिव पार्ट्स, और दूसरा फ्लावर्स हैं तो उनको बोल दिया गया आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। अगर हम बात करें कि भाई रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की अगर बात कर रहे हैं, तो इसमें दो चीज़ें आती हैं, और दो चीज़ें क्या होंगी, वो होता है आपका सेक्स सेल, ठीक है। हम इसको कैसे बोलेंगे आपका, जो होगा सेक्स सेल। अब सेक्स सेल कौन से होंगे, एक तो फीमेल सेक्स सेल होगा, ठीक है, और एक आपका मेल सेक्स सेल होगा। तो अगर हम इसको थोड़ा सा और इसको डिस्क्राइब करें सेक्स सेल में, तो इसमें हम दो पार्ट्स मिलते हैं इसी के अंदर सेक्स सेल्स में, एक होगा फीमेल जिसको गैमेट से बोल सकते हैं, ठीक है, और एक हो जाएगा आपका मेल गैमेट्स। इसको हम थोड़ा सा आगे डिस्क्राइब करेंगे, फीमेल गैमेट्स और आपका मेल गैमेट्स को, ठीक है, फीमेल गैमेट और आपका मेल गैमेट्स को हम बाद में इसको डिस्क्राइब करेंगे। तो ये पार्ट्स हैं लीव्स के, फ्लावर के और फ्लावर के अंदर दो पार्ट्स हो गए आपके, सेक्स सेल, फीमेल गैमेट्स एंड आपका मेल गैमेट्स। अब ये बात करेंगे जब हम फीमेल गैमेट्स और आपका मेल गैमेट्स की, तो फीमेल गैमेट्स और मेल गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या होते हैं आपके,
फ्यूज होते हैं, और फ्यूज बनने के बाद क्या बनाते हैं, फ्यूज या बोल सकते हैं आपका मैटिंग। तो क्या बनाते हैं ये, आप बनाते हैं आपका जायगोट्स, ठीक है, ये आपका बनाते हैं जायगोट्स। यानी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में सेल्स होते हैं, सेक्स सेल, एक फीमेल गैमेट्स और मेल गैमेट्स, दोनों आपस में फ्यूज होंगे, फ्यूज होने पे क्या बनाएंगे आपके जायगोट्स बनाएंगे, ठीक है। अब इसी को बोला जाता है, इस पूरे प्रोसेस को रिप्रोडक्शन, ठीक है, रिप्रोडक्शन ऑफ द फ्लावर। आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर होगा। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आपका टाइप्स ऑफ फ्लावर्स में। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ फ्लावर इन द फ्लावरिंग प्लांट्स। इसके बेसिकली आपके फोर पार्ट्स होते हैं, ठीक है, इसके होते हैं आपके फोर पार्ट्स में अगर सबसे पहले अगर बात करेंगे तो जो भी आपका फ्लावर होगा, ठीक है, तो फ्लावर का जो आउटर मोस्ट पार्ट होगा, आउटर मोस्ट पार्ट कौन सा होता है, कैसे कलर का होता है आपका, ग्रीन कलर का होता है, मोस्ट ग्रीन, ठीक है, आउटर मोस्ट ग्रीन जो पार्ट होता है, ठीक है, तो आउटर मोस्ट ग्रीन जो पार्ट होता है उसको क्या बोला जाता है आपका, सीपल्स, ठीक है। जैसे रोज ले लीजिए, रोज का जो फ्लावर है उसके फ्लावर के नीचे क्या बड्स होती हैं, बड्स का जो कलर है वो कैसे होगा आपका, ग्रीन कलर का, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं आपका जो आपकी पत्तियाँ होती हैं, ठीक है, जिनको क्या बोला जाता है आपका, पीटल्स बोला जाता है, ठीक है, जो आपकी पीटल्स होती हैं पत्तियाँ होंगी, कलर्ड नॉन ग्रीन, क्यों ग्रीन नहीं होती है, ठीक है, जो कलर्ड होंगी, कैसे कलर्ड में होंगी आपकी, नॉन ग्रीन कलर्ड में होंगी, और क्या बोला जाएगा उनको, उनको बोला जाएगा पीटल्स, ठीक है, पंखुड़ी से बोल दिया जाता है, पंखुड़ी, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है आपका फ्लावर में, तो उसका एक नाम होता है, ठीक है, क्या नाम होता है आपका, स्टेमेनो नाम होता है आपका, ठीक है, स्टेमेन नाम होता है। फिर ऑब्वियसली मेल होगा तो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी होगा, उसको क्या बोला जाता है, पिस्टल्स बोला जाता है, ठीक है, या तो पिस्टल बोल लीजिए, या फिर आप इसको थोड़ा सा आगे लिख देते हैं, कार्पेल बोल लीजिए, ठीक है। तो बेसिकली चार पार्ट्स हो गए किसी फ्लावर के, तो आउटर मोस्ट ग्रीन पार्ट जिसको हम सीपल्स बोलते हैं, नेक्स्ट है आपका नॉन ग्रीन प्लांट्स में आपका नॉन ग्रीन पार्ट जिसको पीटल्स या पंखुड़ी बोल देते हैं, फिर उसके बाद आता है आपका स्टेमेन, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को स्टेमेन बोला जाता है, और आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को पिस्टिल या आपका कार्पेल बोला जाता है। अब इन्हीं के बेस पे हम फ्लावर को तीन बेसिकली पार्ट में उसको हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, तीन बेसिकली पार्ट में हम उसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें सबसे पहला पार्ट होता है आपका ठीक है कंप्लीट, इसमें सबसे पहला पार्ट होता है कंप्लीट या फिर बाय सेक्सुअल फ्लावर। कंप्लीट का मींस क्या होगा, कंप्लीट का मींस होगा कि जिसमें आपके सारे पार्ट्स अवेलेबल हो, सारे ऑल पार्ट्स प्रेजेंट। कौन कौन से थे आपके, तो सबसे पहला इसमें था आपका सीपल आपके पास अवेलेबल होना चाहिए फ्लावर में, ठीक है, और पंखुड़ी क्या बोलते थे, अगर आपको याद है किसी को पंखुड़ी, किसी को याद होगा, वो याद होना चाहिए पीटल्स, ठीक है, पीटल्स होगा, फिर आपका मेल प्रोडक्टिव पार्ट होगा स्टेमेन, और नेक्स्ट हो जाएगा आपका पिस्टल्स, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट होगा आपका पिस्टल।
ये आपके अगर चारों पार्ट्स प्रेजेंट होंगे तो उन फ्लावर को बोला जाएगा आपका कंप्लीट या आपका बाईसेक्सुअल फ्लावर। तो इसमें जो एग्जांपल बात करेंगे, एग्जांपल कर क्या होगा, जो आपका चाइना रोज होता है, ठीक है, जिसे हम गुड़हल बोलते हैं, चाइना रोज, या फिर दूसरा आपका मस्टर्ड, ठीक है, मस्टर्ड जो फ्लावर है ये आपका कंप्लीट या बाईसेक्सुअल फ्लावर की कैटेगरी में आता है। अब दूसरा क्या होगा, होगा आपका इनकम्प्लीट, ठीक है, इनकम्प्लीट। इसमें आपका अगर हम बात करें तो इसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, तो दूसरा पॉइंट आएगा वो होगा आपका इनकम्प्लीट, और इसका एक नाम और हो जाएगा यूनिसेक्सुअल, ठीक है। इसमें आपके सारे पार्ट्स अवेलेबल नहीं होते हैं, ठीक है, इसमें आपके ओनली 3 पार्ट्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। कौन कौन से पार्ट्स, एक तो सीपल और पिटल्स तो आपका रहेगा, ठीक है, या तो फिर इसमें कौन सा होगा, या तो इसमें स्टेमन अवेलेबल होगा या फिर आपका पिस्टिल। मैं क्या रिपीट कर रहा हूँ, या तो सीपल पिटल्स रहेगा इनकम्प्लीट में, या तो स्टेमन होगा या आपका पिस्टिल होगा, या फिर ऐसा बोल सकते हैं या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रहेगा लाइक स्टेमन, या फिर आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रहेगा आपका पिस्टिल। अगर इसके एग्जांपल की अगर बात करें तो एग्जांपल में कॉर्न, ठीक है, मक्का, मेज जिसे बोला जाता है, ये आपके कुछ, और हाँ इसको आपको कॉम, एक पपाया भी होता है, एक कंप्लीट में आपको सारे पार्ट्स मिलेंगे, इनकम्प्लीट में आपको पीटल्स और सीपल्स के साथ या तो स्टेमन मिलेगा या पिस्टिल मिलेगा। इसमें आपका एग्जांपल हो गया कॉर्न, और लास्ट बचता है आपका न्यूट्रल, इसमें लास्ट होता है आपका न्यूट्रल। अब न्यूट्रल फ्लावर की बात करें, न्यूट्रल का मींस क्या होगा, तो क्या इसमें पीटल्स और सीपल्स होंगे, ठीक है, क्या इसमें पीटल्स और सीपल्स होंगे, यस पीटल्स एंड सीपल्स प्रेजेंट बट lack of reproductive part, ठीक है, इसमें reproductive part का lack होगा। इसमें जितने भी आपके decorative flowers आते हैं वो आपके सब neutral में कहलाते हैं। इसमें जैसे आप अगर example बात करें तो example हो जाएगा आपका sunflower, ठीक है, sunflower। बात समझ में आ गए, 3 type के हो गए, एक कंप्लीट या बाईसेक्सुअल जिसमें आपके ऑल ऑफ पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, दूसरा हो गया आपके पास इनकम्प्लीट जिसमें केवल आपके स्टेम 3 पार्ट्स अवेलेबल होंगे, स्टेम पेटल के साथ साथ आपको या तो स्टेमन होगा या फिर आपका पिस्टिल होगा, और लास्ट बचता है आपके पास न्यूट्रल, ठीक है। तो न्यूट्रल में केवल आपके पास 2 पार्ट्स होंगे, एक पार्ट्स होगा आपका पीटल्स और सीपल्स, और जबकि इसमें जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होंगे, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स, या इसको बोल सकते हैं स्टेमन या आपका पिस्टिल, वो आपके इसमें कम्प्लीटली एब्सेंट होंगे। एग्जाम्पल है इसमें, सबसे पहला इसमें सनफ्लावर, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर होगा, ओके। नेक्स्ट है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द प्लांट्स, एसेक्सुअल्स आपको बताया था, एसेक्सुअल्स का मीन्स होगा अगर सिंपल बात की जाए ओनली 1 पेरेंट, ठीक है, ओनली 1 पेरेंट। इसका मीन्स है केवल आपका एक ही पेरेंट होगा, और इसके अलावा
कोई और पैरेंट इन्वॉल्व नहीं होगा, ओनली वन पैरेंट इन्वॉल्व, ठीक है, ओनली वन पैरेंट इन्वॉल्व। केवल आपका इसमें कोई भी गैमेट्स प्रोड्यूस नहीं होगा, नो गैमेट्स, कोई इसमें कोई भी तरह का गैमेट्स नहीं होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसमें जो इम्पॉर्टेंट होता है इसी के टाइप की हम एक सेक्शन रिप्रेशन की बात करेंगे, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव का मीन्स हो गया, आपको याद होगा, स्टेम रूट्स और लीव्स। स्टेम रूट्स और लीव्स की हेल्प से हमें यंग वंस प्रोड्यूस कराते हैं, उनको बोला जाता है आपका रिप्रोडक्शन इन द प्लांट। तो इसमें जो टॉपिक होगा नेक्स्ट, इसी के बाद जो नेक्स्ट पार्ट होगा आपका वो होगा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव का मीन्स अगर आपको याद होगा तो क्या था कि हम क्या कर रहे थे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में या प्रोपोगेशन में, हम तीन चीज़ इस्तेमाल कर रहे थे, तीन चीज़ लेते थे वेजिटेटिव में। पहला पार्ट क्या था आपका, स्टेम, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या था आपका, लीव्स, ठीक है। और थर्ड पार्ट था रूट्स। इन तीनों चीज़ों का अगर हम, इन तीनों चीज़ हेल्प से अगर हम किसी भी प्लांट्स को रिप्रोड्यूस करते हैं तो उन सबको बोला जाता है आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, जिसमें हमारा मेनली टॉपिक होगा आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ओके, बाय बाय क्लास, टेक केयर।